Hey friends, this is SJ. So today we are going to start our new lecture from the series Science and Tech from class 7th NCERT. This is chapter 3, Fiber to Fabric. Hindi mein bola to reshe se kapde tak. So let's start. Sabse pehle dekhiye, what is fleece? Fleece hota hai ki hair of sheep or yak, jisse hume natural fiber wool milta hai. हमने पढ़ा था पीछे कि फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं. दो टाइप के, एक नेचुरल फाइबर और एक आर्टिफिशियल फाइबर. जो आर्टिफिशियल फाइबर है वो ह्यूमन बनाते हैं और नेचुरल फाइबर हमें नेचुरल तरीक़ों से मिलते हैं. तो यहाँ पे दो नेचुरल फाइबर की बात की गई है, जो कि है वूल, हिंदी में ऊन बोलते हैं, सिल्क रेशम बोलते हैं हिंदी में. तो यहाँ पर वूल किस किस से मिलता है? वूल मिलता है शीप से, गोट से, याक से और अदर एनिमल का जिक्र किया है, कैमल यानी ऊँट से. और सिल्क मिलता है कोकुन ऑफ सिल्क मोथ, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. सिल्क मोथ होता है रेशम का कीड़ा. ये देखिए, यहाँ पे शीप दिखाई गई है, भेड़ दिखाई गई है. नेक्स्ट, कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल्स के नाम बताए, जैसे अंगोरा गोट और कश्मीरी गोट. अंगोरा गोट की क्या खासियत होती है? ये अंगोरा वूल देती है, जो कि बहुत ही फेमस है हिली रीजन्स में. ये बेसिकली गोट कहाँ पे मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर और हिली रीजन्स में मिलती है. उसके बाद कश्मीरी गोट से हमें फाइन साल्स, सॉफ्ट फर मिलते हैं, और ये बेसिकली पश्मीना साल्स, पश्मीना सोल्स जो रहते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ की जाती है. इनकी ये बहुत फेमस सोल्स हैं, ठीक है, जो कि सर्दियों में यूज़ करते हैं. तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंगोरा गोट दिखाई गई है, यहाँ पे कश्मीरी गोट दिखाई गई है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे दो जिक्र किया गया, लियामा और अल्पका. जो ये गोट है, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है, इनसे भी हमें वूल मिलता है, ठीक है. तो ये कुछ फेमस गोट्स के नाम हैं, ये आपको याद रखने. उसके बाद रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स, बेसिकली वूल के लिए यहाँ पे ये कुछ एक टेबल दिए है, 6. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए. बेसिकली जैसे लोही जो है, गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलता है राजस्थान पंजाब में, रामपुर बुशायर, ब्राउन फ्लीस मिलते हैं उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिलती है. उसके बाद नाली जो है राजस्थान हरियाणा पंजाब में मिलती है, बकरवाल फॉर वूलन साल्स जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है. मारवाड़ी देखिए, बेसिकली हम सोचते हैं राजस्थान से रिलेट करते हैं, मैं तो बेसिकली यही सोचता था, लेकिन ये गुजरात में मिलती है. पठानवाड़ी फॉर होजरी गुजरात में मिलती है. रेडेबल आप बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी. उसके बाद प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, ये इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, ये मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन बनाया, आगे हम वन लाइनर से ही इसको याद कर लेंगे. तो इसमें फाइबर से वूल कन्वर्ट करने के लिए हमें बेसिकली 6 स्टेप्स हम यूज करते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो शीयरिंग. शीयरिंग में क्या होता है? जो टेकिंग ऑफ फ्लीज अलोंग विद स्मॉल लेयर स्किन, स्किन के साथ गोट भेड़ या बकरी फ्ली सीप्स या गोट के हल्की स्किन के साथ हम उसके बालों को, फ्लीज को शीयर कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, उसी टाइप में जैसे हमारे बालों को मशीनों से बार निकाल देता है, ठीक है. तो उसको बोलते हैं शीयरिंग, टेकिंग ऑफ फ्लीस. उसके बाद स्काउरिंग, उसमें जो ये बाल हमने रिमूव किए थे उसमें से डस्ट और डर्ट को वॉश किया जाता है, निकाला जाता है, तो इसको बोलते हैं स्काउरिंग. उसके बाद शॉर्टिंग, सेपरेटिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ हेयर. देखिए अब डिफरेंट ब्रीड की फ्लीज रहते हैं, ये एनिमल्स रहते हैं गोट या सीप्स, तो उनके उन
कि डिफरेंट डिफरेंट कलर को निकाला जाता है, ठीक है, अलग अलग सॉर्ट किया जाता है, सॉर्टिंग की जाती है, अलग अलग किया जाता है। पिकिंग अप बर्ड्स, बर्ड्स रुए होते हैं, जिस टाइप में आपने देखा होगा, आप विंटर में जब कोई कपड़ा पहनते हैं तो उसमें कुछ रुए निकल जाते हैं एक्स्ट्रा, तो उनको निकालना बर्ड्स बोलते, पिकिंग अप बर्ड्स बोलते, उनको बर्ड्स बोलते बेसिकली, रुए बोलते। उसके बाद डाइंग फाइबर, स्टेप फिफ्थ है, डाइंग फाइबर्स इन कलर्स। अब देखिए वाइट हो सकते हैं, वाइट फाइबर हो सकते हैं, तो उनको मान लो पिंक बनाना है तो उनको कलर किया जाता है या डिफरेंट डिफरेंट कलर किया जाता है। अब देखते होंगे आपके विंटर के क्लोथ्स अलग अलग कलर में आते हैं, तो उनको डाइंग किया जाता है, डाई किया जाता है उनको। उसके बाद स्ट्रेथनिंग या कॉम्बिंग या रोल्ड इनटू यान, ये सीधा करना है उनको, कॉम्ब करना या यान में उनको बनाना, रोल करना, ये स्टेप सिक्स होता है, ठीक है। तो ये सभी दिया गया, देखिए सीरिंग कैसे करते हैं, इसको कट कर रहे हैं इसके फ्लीस को, ठीक है, मशीन से, ये सीरिंग मशीन से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्कवरिंग इन टैंक्स, यहाँ पे धोया जा रहा है सीड स्किन रेज थ्रोली वॉश्ड इन द टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट, ठीक है। उसके बाद स्कवरिंग बाय मशीन्स, मशीन से भी आजकल होता है, रोलिंग इन टू यार्न्स, यार्न से रोल किया जा रहा है। नेक्स्ट उसके बाद सेरिकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, हम सिल्क वॉर्म रेशम कीट को पालते हैं उससे सिल्क रेशम लेने के लिए। ये बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाइना में डिस्कवर हुआ था, लेकिन बहुत सालों तक उन्होंने सीक्रेट रखा था इसको, जिसके कारण उनका सिल्क इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और आज भी सिल्क रूट या सिल्क रोड वो चर्चा में, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इससे पहले एक बैक्टीरिया एंथ्रेक्स का जिक्र हुआ है, जिसके कारण हमें एक शॉर्टर नाम की डिसीज हो जाती है। ये बेसिकली ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। ऑक्यूपेशनल हजार क्या होते हैं कि अगर कोई काम करते वक्त किसी वर्कर को कोई रिस्क है कोई बीमारी होने का, तो उसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोलते हैं। तो ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से एक शॉर्टर्स नाम की डिसीज हो जाती है, जो कि कुछ लोग इन्फेक्ट, अगर इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाए वूल इंडस्ट्री में बेसिकली, तो ये बीमारी हो जाती है उन्हें। इसके बाद अभी हमें रेशम कीट से, सिल्क वॉर्म से या सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे मिलता है, तो इसमें ये कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले फीमेल सिल्क मोती है, मैंने इसका एक डिस्क्रिप्शन में निकाला है इसका। फीमेल सिल्क मोत एग्स ले करती है, उसके बाद जो लार्वा निकलता है उसको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म रेशम कीट बोलते हैं, जो कि एग से निकलता है, अंडे से निकलता है। उसके बाद ये जो कैटरपिलर है ये फाइबर सेक्रेट करता है, तो इस फाइबर से ही अपने आप को पूरा ढक लेता है, जो कि एयर के एक्सपोजर में आने से हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसी एक्सपोजर को, इसी कवर को बोलते हैं कोकून, और इस कोकून से जब ये पूरा ढक जाता है तो ये नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है कैटरपिलर, इस नेक्स्ट स्टेज को बोलते हैं प्यूपा, ठीक है। तो इस कोकून फाइबर से ही हम सिल्क लेते हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। टाइप्स ऑफ सिल्क, नॉर्मली जिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क मोथ से वैरायटीज पे हम सिल्क फाइबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर मिलते हैं, सिल्क मिलते हैं हमें। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ, सबसे ये जो मलबरी ट्री पे रहता है उस, वो सबसे कॉमन हमारी कंट्री में या सबसे कॉमन कहीं पे भी मिलता है। उसके बाद यही जिक्र है चाइना वाला, कि सबसे पहले चाइना में। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज, द रूट दे आर ट्रेवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, सबसे पहले
सिल्क इंडस्ट्री चाइना में स्टार्ट हुई थी, यही वो जिक्र किया गया। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉयल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। जो कोकून मैंने बोला जो कवर है उसका कैटरपिलर पे, जिसके बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, उसको सन या एक्सपोज टू स्टीम में रख एक्सपोज किया जाता है, जिससे कि वो सेपरेट हो जाता है सिल्क फाइबर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। इसको रीलिंग ऑफ द सिल्क बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज देख लेते हैं, इस क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर टू, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट द क्वेश्चन टू एमसीक्यू टाइप है। द सिल्कवॉर्म ए कैटरपिलर बी लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सिल्कवॉर्म इज फर्स्ट ए सेकंड बी थर्ड बोथ ए एंड बी नेदर ए नोर बी। तो कैटरपिलर हमने पढ़ा था, सिल्कवॉर्म ने पढ़ा था, बोथ ए एंड बी मतलब कैटरपिलर भी है और बी लार्वा भी है, क्योंकि हमने पढ़ा था लार्वा का ही, लार्वा को ही कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल्ड। वूल याक भी करता है, कैमल भी करता है, गोट भी करता है, तो वूलन वूली डॉग नहीं करता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन फोर, व्हाट इज द मीन बाय फॉलोइंग टर्म्स। रीयरिंग शीयरिंग एग्रीकल्चर, रीयरिंग है रेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द लाइव स्टॉक, उसमें कुछ भी आ सकता है, काउ बफेलोस गोट एटसेट्रा। और रीयरिंग ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ठीक है। रीयरिंग आ गया तो मतलब पालना। उसके बाद शीयरिंग, कटिंग ऑफ द वूलन फ्लीस, हमने पढ़ा उसकी अपर स्किन और हेयर को, फ्लीस को कट करना शीयरिंग कहलाता है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर शीयरिंग ऑफ ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन सेरिकल्चर। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, मलबरी सिल्क, तसार सिल्क एटसेट्रा, डिफरेंट टाइप्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स। बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गिवन बिलो इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम। तो हमने सिक्स स्टेप पढ़ते, शीयरिंग, स्कवरिंग, सॉर्टिंग, स्पिनिंग, फाइबर डाइनिंग, रोलिंग इन दी सिल्क यार्न, ओके। मेक ए स्केच ऑफ द टू स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो ये स्टेप वन हो गया, सिल्क वॉर्म है, सिल्क मोथ है, उसके बाद एग ले करता है, उसके बाद एडल्ट सिल्क मोथ बन जाता है, प्यूपा बन जाता है, तो ये फाइबर की उस पर कवर आ जाते हैं, जिसको कोकून बोलते हैं। उसके बाद अगेन ये ले करता है एग्स, ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, वन आउट ऑफ विच फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। देखिए सेरिकल्चर आपको पता है, अभी पढ़ा था हमने, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट हम थोड़ी सी टर्की है। साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस अल्बा, ठीक है, मलबरी को मोरस अल्बा भी बोलते हैं। सो मोरिकल्चर इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेरिकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन। इसके मैच द फॉलोइंग ऑफ द कॉलम। स्कोरिंग क्या होता है, स्कोरिंग होता है क्लीनिंग ऑफ सीड स्किन। मलबरी लीव्स क्या होता है, फूड सिल्कवॉर्म का, जिसको खाते रहते हैं। याक वूल्ड, ये वूल यील्डिंग एनिमल। कोकून यील्ड्स सिल्क फाइबर्स, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, थैंक यू।